हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन नाइट ऑफ हाउ स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों के लिए जो लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आया हूँ वो यूपी टेट के लिए लेकर के आया हूँ। कल का दोस्तों आपने का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि जो होने कल की जो 15 तारीख से जो आपका आवेदन जो ऑनलाइन होने वाले थे वो कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाएंगे। तो उसके लेकर के मैंने कल एक स्पेशल आपको मतलब नोटिफिकेशन दे ही दिया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो अब जो लेटेस्ट आया है वो इसमें भी बताया गया है कि जैसे कि आपको पहले आपको बताया था यूपी टेट के लेकर के कि यूपी टीईटी जो होगा दोस्तों वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज की जो न्यूज़ है दोस्तों उसमें ये साफ हो गया है कि वो जो यूपी टीईटी है दोस्तों वो दिसंबर तक कम्प्लीट होगा। तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जैसे कि आपको पूरा मतलब समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने मतलब इन्फॉर्मेशन की तरफ कि आखिर क्या आप लोगों के लिए न्यूज़ है और क्या वो चीज़ है जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपका जो डेट है वो आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों के सामने दोस्तों आ चुका होगा जिसमें कि आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। शासन की ओर से जारी संभावित तिथि के अनुसार टीईटी 2018 का आयोजन तो दिसंबर तक पहले हो जाएगा। कहने का मतलब है दिसंबर या दिसंबर से पहले दोस्तों हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको मैंने बताया था कि अक्टूबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा तो नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ये जैसे कि मैं कल की वीडियो कल जो न्यूज़ थी कल को लेकर के जो मैंने आपको समझाया कि उसमें ना आवेदन जो है वो 15-17 तारीख से शुरू नहीं हो पाएंगे बिकॉज आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया जिन्होंने पेपर भी नहीं दिया या फिर कुछ ऐसी धांधलियाँ हुई हैं जिनमें कि अगर किसी ने पेपर दिया तो उसका 2 जगह से सिलेक्शन हो गया, 2 जगह उसने पेपर दिया है, तो कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। इसके चलते जो है वो सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। तो उसके चक्कर में आप लोगों को मतलब कि थोड़ा सा मतलब डिले हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा ऐसा भी बताया जा रहा है। सारी कुछ तैयारी हो चुकी है यूपी टेट को लेकर के, लेकिन जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आएगी इसको लेकर के सबसे पहले आपको हमारे चैनल बताई जाएगी। तो अभी जो मेन चीज़ थी दोस्तों ये है कि जो इसमें बताया गया कि दिसंबर से पहले दोस्तों हो जाएगा। कहने का मतलब है दिसंबर से पहले हो जाएगा, जैसे नवंबर में उसका रिजल्ट था तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट दोस्तों दिसंबर की फर्स्ट वीक में भी आ सकता है या फिर 28 या 29 नवंबर को दोस्तों इसका रिजल्ट आ सकता है। तो कहने का मतलब है ये जो आपकी यूपी टीईटी की जो अगर मैं आवेदन करने की तिथि बताऊँ जो आप मुझसे पूछना चाहते थे तो वो जो होगी दोस्तों उसकी जो डेट आई आई थिंक 22 या 23 के आसपास होगी, क्योंकि ऐसा ये साफ़ कर दिया गया है कि ज़्यादा दिन नहीं बढ़ेंगे, मतलब आपका डिले नहीं होगा। कहने का मतलब है 2 या 3 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर बताना चाहूँ तो सिर्फ 5 दिन। तो 5 दिन के हिसाब से मैं बताऊँ आपको 22 तारीख से जो है आप लोगों का आवेदन शुरू हो जाएगा, 20 तारीख को आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेन बात जो दोस्तों थी इम्पोर्टेंट जो यही थी कि मैं आपको बता देना चाहता था जिससे कि आपको सारी चीज़ें कवरअप हो जाएँ। तो अब जो आपकी जो डेट है दोस्तों वो 4 से 5 दिन दोस्तों आगे बढ़ सकती है। इसके लेकर के दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी कभी भी आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दे दिया जाएगा। तो अभी का जो प्रोसेस था वो बताया गया था कि इसमें दिसंबर तक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। शासन की ओर से जारी संभावित तिथि के अनुसार टीईटी 2018 का आयोजन तो दिसंबर के पहले हो जाएगा, लेकिन 68,500 पदों की शिक्षक भर्ती का अटक सकती है। दोस्तों जो दूसरी शिक्षक भर्ती थी उसके चांसेस थोड़े से लेट हो सकते हैं। जो 97,000 शिक्षक भर्ती थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं स्पेशल आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो टीईटी 2018 का आयोजन को लेकर शासन ने पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों, यहाँ पर आगे बताया गया है। तो कहने का मतलब है टीईटी की तो पूरी तैयारी है, सिर्फ 4 या 5 दिन बढ़ेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा, बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी ने आप लोगों के लिए जो है क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।